देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। सोमवार को फोरम अगेंस्ट करप्शन के सदस्य टिकेंद्र पनवर और अधिवक्ता संजीव भूषण ने शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चयनित विषयों पर विकासात्मक कार्य न करके लोगों से एकत्रित पैसे का बेफिजूल खर्च और सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल पैसों की बर्बादी और चुनिंदा ठेकेदारों को मुनाफा दिया गया है। स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन नहीं किया गया और सरकार ने मनमर्जी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार के मामले को लोकायुक्त के पास लेकर जाएंगे। शिमला से अर्थ प्रकाश, संवाददाता की रिपोर्ट। क्योंकि सिर्फ बात ये नहीं कि शहर दोनों शिमला के थे, सवाल ये था कि पैरामीटर्स पे आगे कौन, मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट में एक याचिका दायर। और मुझे सौभाग्य मिला उस याचिका को वहां पर, और भाजपा जिनकी सरकारें, एक की केंद्र में सरकार थी, एक की राज्य में सरकार, स्मार्ट सिटी बनने और अंततः रखी है। दरअसल इसमें दो तीन बातें हैं जो प्रमुख है, आप पूरे इस ड्राफ्ट को पढ़ सकते हैं, ड्राफ्ट आपको हम लोग सब देख रहे हैं। और ये जो सारी फिगर्स है ये हमारी मार्च अप्रैल 2022 की है, जब विधानसभा में क्वेश्चन लगे थे, स्मार्ट सिटी पे बहस हुई थी, तब हम लोगों ने ये जितनी फिगर है ये सारी की सारी फिगर आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे पड़ी है, ये कोई फिगर हमारे यहाँ से क्रिएट नहीं हुई है, तो आप इसको सारा देख सकते हैं। लेकिन दो तीन बातें जो प्रमुख हैं और क्यों हम बोल रहे हैं भ्रष्टाचार है वो समझना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि जैसा स्मार्ट सिटी का इतिहास बोला है कि हम लोग को इसके बहुत ज़्यादा पक्षधर नहीं थे, लेकिन ये बात हुई कि हमारे को चीट करके धर्मशाला, तो हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी, हासिल किया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।